आज का एक्सपेरिमेंट है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन एक बॉडी पर होता है तो रिएक्शन क्या होगा, दूसरी बॉडी पर, बट इक्वल होगा और अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी और अलग अलग बॉडीज पर होंगे। तो एक्सपेरिमेंट से इसको देखते हैं कैसे होता है। सर इस बैलून का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर हम एयर इस वाले डायरेक्शन में निकलती है तो बलून कहाँ जाएगा, ऊपर। एयर अगर इधर निकलती है तो बलून किधर जाएगा, इस साइड। अगर एयर इस डायरेक्शन निकलती है तो बलून इधर जाना चाहिए। अगर एयर ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है तो बलून किधर जाना चाहिए, नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये दो बलून हैं, रेड वाला और ये वाला। तो हम क्या करना है कि हमें देखना है कि इस वाले केस में हम एयर को इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो बलून किधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में। और इस वाले केस में एयर नीचे की तरफ जा रही है तो बलून कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो लेट्स बिगिन विद एक्सपेरिमेंट।